enable. नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवास एंटरप्रेन्योर। और ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर हम SMBs को फेसबुक और फेसबुक के एक्सपर्ट्स की मदद से एम्पावर करते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाने के तौर तरीके बताते हैं। और आज हम एक ऐसे ही टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके बिजनेस को चौतरफा ग्रोथ दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी पहुंच बना सकता है। मेरा साथ आज दे रही हैं स्नेही झा मेहता, जो है व्हाट्सएप की प्रोडक्ट मार्केटिंग लीड। स्नेही, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि देखिए, व्हाट्सएप जो है हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, हम इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते, और खासतौर पर इंडिया में तो सब लोग व्हाट्सएप पर ही बातचीत करते हैं। ये बिजनेसेस के लिए कितना बड़ा टूल साबित हो सकता है पहुंच बनाने के लिए, अपने कारोबार को एक नई शुरुआत देने के लिए? सबसे पहले हर्षदा, थैंक्स सो मच मुझे आज यहाँ इनवाइट करने के लिए। और जैसा आपने कहा, व्हाट्सएप का इंडिया के साथ एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। अगर सुबह आपको व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेजेस ना मिले, या फिर अभी दिवाली हाल ही में कुछ दिनों पहले सारी ही ग्रीटिंग्स हमें दिवाली की व्हाट्सएप पर मिली हैं, फॉर एनी बिजनेस जब वो ये सोचते हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म को चूज करें, सबसे जरूरी ये होता है कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर डिसाइड करें जिसमें रीच है, कई सारे लोग हों उस पर, एंगेजमेंट हाई है और सिंपल हो यूज करने के लिए। अगर आप व्हाट्सएप ही देख लें, एक सेगमेंट तक सीमित नहीं है रीच, इट इज वाइड स्प्रेड, किसी ज्योग्राफी तक सीमित नहीं है, इट इज एवरीवन इज एक्सेसिंग एंड यूजिंग व्हाट्सएप। सो रीच है वहां पर। एंगेजमेंट की जहां तक बात की जाए, एंड इट इज आप देख लें तो दिन में आप कितनी बार फोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करते हैं। सो एंगेजमेंट का एक तरीका वो भी है चेक करने के लिए कि हाउ आर यू यूजिंग। सो ये तो अगर आप पैरामीटर देखें तो ये बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मेरे कस्टमर्स कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, कितना यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। कई सारी ये जो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं, खास तौर पे इनके लिए ऑनलाइन का मतलब है एक फोन नंबर है उनके पास, व्हाट्सएप है उनके पास, हम कैसे व्हाट्सएप के जरिए अब हमारे कस्टमर से कनेक्ट कर सकें। यही एक्सपीरियंस लॉकडाउन के बाद और भी मैग्निफाई हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप पर लोगों ने बहुत ज्यादा एंगेज किया है अपने नियर बाय स्टोर्स के लिए। इसकी रीच इतनी वाइड है और भारत में हर किसी के पास एक व्हाट्सएप है, क्या वही सबसे ज्यादा एक पावरफुल माध्यम बन गया है SMBs के लिए? और किस तरह से आपके मद्देनजर इसने बिजनेस करने के तौर तरीके बदले हैं भारत में? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी बिजनेस के लिए कोई प्लेटफॉर्म जरूरी तभी हो जाता है, लाइक आई सेड, जब रीच हो। रीच जैसे आपने भी कहा, हर ही कोई यहाँ पर यूज कर रहा है व्हाट्सएप। इस पॉइंट पर थोड़ा सा आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर कि हमारे प्रोडक्ट प्रिंसिपल्स क्या है, हम किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स हों या बिजनेसेस हों। तो तीन चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर वन, सिंप्लिसिटी, रिलायबल होना चाहिए प्लेटफॉर्म, और तीसरा है सिक्योर होना चाहिए। इस सिंप्लिसिटी को माइंड में रखते हुए हमने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। एंड ये व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ऐप माइक्रो से लेके स्मॉल से लेके मीडियम बिजनेसेस सभी यूज कर सकते हैं। स्नेही, ये व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ऐप, इसकी हम काफी चर्चा अब सुनते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या, और क्या इस पर कोई भी अकाउंट शुरू कर सकता है जैसे हम नॉर्मली व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा हर्षदा, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो नंबर वन, जैसे आपने बिल्कुल ही सही कहा, ये एक फ्री टू यूज ऐप है, आप ऐप स्टोर में जाकर इसे एंड्रॉयड iOS किसी कहीं पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक इसमें एक छोटी सी एक बैक स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। हम जब ये एप्स बिल्ड करते हैं तो इसके पहले हम बहुत बार मार्केट में बिजनेसेस के साथ इंटरैक्ट करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेसेस के लिए ज़रूरी क्या है। एंड बिजनेस ऐप अगर आप देखें और इसके फीचर्स को देखें, ये डिज़ाइन किया गया है माइक्रो बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस या फिर मीडियम बिजनेसेस के लिए। अब जब हमने इन बिजनेसेस के साथ थोड़ा और समय स्पेंड किया है उनसे ये जानने के लिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, we realize that time actually is the most important for them. And इसमें क्या हो जाता है,
it's also very important that they are responsive to customer questions and queries. So our challenge was keeping this in mind, hum kis tarah se aise features design kar saken business app mein jo bahut easy communication ho, quick responses provide kar saken ek business apne consumers ko. So that was at the heart of it. Aap business app download kar lijiye. डाउनलोड करने के लिए बहुत ही ईजी है. गो टू द बिजनेस द ऐप स्टोर, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के लिए सर्च करिए, यू कैन डाउनलोड इट. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डाउनलोड करते साइन आप अगर चाहें तो अपना सारा ही कंज्यूमर ऐप जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके डेटा को आप बैकअप कर लीजिए. आप जब ऐप में जाके ऐप को डाउनलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, आपको पूछेगा कि आप कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं. इफ इट्स द सेम नंबर, आपको बैकअप करने के लिए प्रॉम्प्ट मिलेगा. जस्ट एज अ फॉलबैक ऑप्शन, अगर आप चाहें तो एक हार्ड ड्राइव पे भी बैकअप कर लीजिए इंफॉर्मेशन. अब यहाँ से आपका काम चालू होता है कि मैं कैसे अपने बिजनेस के प्रोफाइल को सेटअप करूँ. सो प्रोफाइल में आपका बिजनेस का नाम, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी वहां पर. अगर आपका कोई एक्चुअल शॉप या स्टोर हो तो आप एड्रेस दे सकते हैं, एक मैप का लिंक लगा सकते हैं वहां पे. टाइमिंग ऑफ बिजनेस है एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कस्टमर्स को सामने से पता रहे कि शायद संडे सैटरडेज को आप नहीं ऑपरेट करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद आप नहीं ऑपरेट करते हैं, तो आपको टाइमिंग वहां लगा देना चाहिए. और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई वेबसाइट हो, अगर आपका कोई फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हो, ये सारी ही डिटेल्स आप वहां पर ऐड कर सकते हैं. लेकिन आई एम श्योर यहां पर भी कुछ ऐसी टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ मस्ट हैव्स होंगे, कुछ डूज होंगे और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है. वो क्या है, स्पेशली जब लोग कॉन्टेंट भी शेयर करना चाह रहे हैं अपने यूजर्स के साथ या फिर कंज्यूमर्स के साथ? हमने कुछ एक खास फीचर्स डिजाइन किए हैं इसमें, कीपिंग इन माइंड कि एक छोटे बिजनेस को क्या चाहिए. एंड सबसे एक बड़ा फीडबैक हमको जो स्मॉल बिजनेसेस से मिला है, एंड व्हेन आई से स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस, उनका ऑपरेटिंग यूनिट हो सकता है शायद एक सोल एंटरप्रेनर है, प्रोप्राइटर है एंड 5-6 लोग काम कर रहे हो. मैक्स केसेस पे इट गोज अप कि इन ऑपरेटिंग कैपेसिटी शायद 50 पीपल का हो. एंड उस एंटरप्रेनर के लिए जो इतने ही एक स्मॉल स्केल में काम कर रहा हो, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड दे हैव वेरी लिमिटेड पीपल. वो लोग के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने कस्टमर्स के सारी ही क्वेश्चंस एक टाइमली मैनर में एड्रेस कर सकें, बट टाइम की कमी भी है उनके पास. वो लोग मल्टीपल रोल्स भी कर रहे हैं अपनी तरफ से. सो दे आर दी ओनर्स, दे आर दी प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स भी हैं, कस्टमर ऑर्डर क्वेरी भी वही मैनेज कर रहे हैं. इट रियली इज अ लॉट फॉर देम. तो ये एक पॉइंट देखते हुए हमने एसेंशियली क्विक रिप्लाइज, अवे मैसेजेस एंड ग्रीटिंग मैसेजेस, ये तीन फीचर्स इसमें इनबिल्ड किए हुए हैं. ग्रीटिंग मैसेजेस जो है हमारा एक फीचर, वो एक ऑटो रिप्लाई वो सेट कर सकते हैं. एंड द ग्रीटिंग मैसेज कैन सिंपली हैव अ वेरी जेनेरिक मैसेज जो जिसमें ये लिखा हो कि थैंक यू, योर मैसेज इज इम्पॉर्टेंट टू अस, गिव अस सम टाइम, वी विल कम बैक टू यू. सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स जो वो यूज कर सकते हैं. ऐसे ही देर आर द टू अदर फीचर्स दैट आई सेड, अवे मैसेजेस और क्विक रिप्लाइज. जैसे आपने जिम ट्रेनिंग के बारे में बात की, कई सारे बार एक स्लॉट होता है या एक टाइमिंग होती है कि जिम्स आर लेट्स से नॉट अवेलेबल एंड ओपन ऑन संडे, या शायद 8 o'clock इन द इवनिंग के बाद नॉट अवेलेबल हैं. बट व्हाट्सएप पे अब हमारा बिहेवियर ऐसा हो गया कि हम मैसेज कभी भी भेज सकते हैं. तो अवे मैसेजेस आप यहाँ पे जो भी ट्रेनर हैं या जिम हैं वो यूज कर सकते हैं टू रिस्पॉन्ड एंड से वी ऑपरेट विद इन 9 to 9 या 9 to 8, वी विल कम बैक टू यू एट 9 AM इन द मॉर्निंग टुमारो, प्लीज लीव योर क्वेश्चंस हियर इफ एनीथिंग इज अर्जेंट. ये जो तीन फीचर्स हैं, ग्रीटिंग्स, अवे मैसेजेस, क्विक रिप्लाइज, बिजनेसेस को ये ईज देने के लिए बनाया गया है कि आप हमेशा रिस्पॉन्सिव रहें. जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आप इन मैसेजेस में सेट करके रखें ताकि एक कंटिन्यूटी बना रहे. कैटलॉग एक फीचर है जो हमने डिजाइन किया हुआ है जो बिजनेस ऐप के अंदर ही है, और ग्रीटिंग मैसेज में ही आप लिंक दे सकते हैं, व्हाइल वी कम बैक टू यू आप प्लीज हमारा कैटलॉग देख लीजिए. सेकेंड जो आपने मुझसे टिप मांगा था, ये और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि मैसेजिंग का नंबर वन एक एक्सपेक्टेशन जो हमने कंज्यूमर से देखा है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिव हो, एंड बिजनेसेस की तरफ से टाइम एक पॉसिटी है. तो ये ग्रीटिंग मैसेजेस को बहुत ही इंटरेस्टिंगली यूज करके
दे कैन इंश्योर कि कस्टमर को लगे कि हम आपसे बात करेंगे जस्ट गिव अस सम टाइम। स्नेही, आपने इनफैक्ट जिक्र किया था मोबाइल स्टोर फ्रंट और कैटलॉग्स का, मुझे बताइए क्या कोई भी छोटा या फिर मध्यम वर्ग का बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अच्छे तरीके से शोकेस करने के लिए व्हाट्सएप का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकता है और उसमें कितना कारगर साबित होगा ये मोबाइल स्टोर फ्रंट, उसे कैसे शुरू करें, कैटलॉग कैसे क्रिएट किया जाए? आपने मोबाइल स्टोर फ्रंट के बारे में पूछा एंड क्यों ये जरूरी है। देखिए, ये मेरे लिए आई वुड से थोड़ा मैटर ऑफ प्राइड भी है कि व्हाट्सएप जो है, कई बिजनेसेस जो आज के तारीख में ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, उनको ऑनलाइन आने का एक मौका दे रहा है। और ये ऑनलाइन आना इज वेरी सिंपल, आपको वेबसाइट खड़ा नहीं करना, ऐप नहीं बनाना है, आपको केवल ये एक दो तीन फीचर्स यहाँ से यूज करने हैं, कैटलॉग उनमें से एक फीचर है और उसके जरिए आप कैसे ऑनलाइन आ सकें। तो अब कैटलॉग के बारे में, हाउ यू शुड यूज दिस, इट इज अ फीचर जो बिजनेस ऐप में अवेलेबल है। जब आप सेटिंग्स में जाएंगे, बिजनेस टूल्स के अंदर जाएंगे, आपको कैटलॉग दिखाई देगा। एंड कैटलॉग जब आप सेटअप करें, इसका एक बहुत ही सिंप्लीफाइड अगर मुझे एग्जांपल देना है तो ऐसे सोचिए, आप एक ऑनलाइन एल्बम बना रहे हैं, एल्बम में आप अपने ही सारे फोटोज डाल दीजिए, हर फोटो के साथ में आप एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, हर फोटो के साथ आप एक प्राइस पॉइंट डाल सकते हैं एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसमें हमने फ्री फील्ड्स दिए हुए हैं, जो भी आपको जरूरी लगे आप अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। एंड इसका फायदा ये हो जाएगा कि एक बार व्हेन कैटलॉग इज रेडी, और मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ये भी रेफरेंस दिया था कि आपका जो ग्रीटिंग मैसेज हो, सो इमेजिन करिए मैं एक नई कस्टमर हूँ, हर्षदा ने मुझे अभी मैसेज भेजा है सेइंग अगर आपको मास्क खरीदना है इस बिजनेस से इंटरेक्ट करिए, मैंने बिजनेस को एक मैसेज भेजा अपनी तरफ से, बिजनेस ने बोला थैंक यू स्नेही, और उसी ग्रीटिंग मैसेज में कैटलॉग का एक लिंक दिया हुआ हो। सो दिस इज द ईज दैट वी आर ट्राइंग टू गिव बिजनेसेस, एंड ये एक एक नंबर वन स्टेप है अपना मोबाइल स्टोर फ्रंट बनाने की तरफ, एंड कोई भी बिजनेस यूज कर सकता है। अच्छा स्नेही, ये बताइए क्या कोई अपने व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट के लिए भी स्पेसिफिकली एड क्रिएट कर सकता है और क्या प्रोसीजर होगा? जैसे आपने एड के बारे में पूछा, हमारा एक फॉर्मेट है एड्स दैट क्लिक टू व्हाट्सएप। जब भी उनका ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमें नए कस्टमर्स ढूंढने, वो ये एड्स रन कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। बट इसका कॉल टू एक्शन जो बटन है, इट सेज इसको क्लिक करते हुए एक मैसेज ओपन होता है व्हाट्सएप पे। एंड अगेन, अगर आप नॉर्मली देखेंगे जो इंटरेक्शन बिजनेसेस की कई सारी बार होती है, वो एक एड देखते हैं, उनको एड में जो भी प्रोडक्ट है पसंद आता है, एंड देन दे आस्क द क्वेश्चन टू द बिजनेस ओनर सेइंग दैट कैन वी नो मोर, और बिजनेस ओनर अपना नंबर दे के कहते हैं मुझे डीएम कर लो एंड इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे अवेलेबल हो, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम आंसर कर सकते हैं। सो नॉर्मल ऑर्गेनिक जो बिहेवियर है उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि बिजनेस इंटरेक्शन चालू होता है फेसबुक पे और कई बार ये व्हाट्सएप पर जाकर कल्मिनेट होता है। तो अब हमने उसी को लेके एक ये एड फॉर्मेट डिजाइन किया है जिससे आप एड रन कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, और उस एड के कॉल टू एक्शन बटन पर क्लिक करते हुए यू कैन लैंड इनटू व्हाट्सएप। ऑब्वियसली इन एड्स को सेटअप करने के लिए एक प्रोसीजरल स्टेप है एंड वो भी हम डिटेल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सारे ही कुछ बहुत ही एक डिटेल्ड फॉर्म में हमारे हेल्प सेंटर पे भी मौजूद है। ये जो आपने उदाहरण दिया कि आप तीनों इन एप्लीकेशंस के जरिए, जो आपकी फेसबुक फैमिली ऑफ एप्स और सबसे प्रोमिनेंट ये एप्स हैं, उनको कैसे इंटीग्रेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फिर ऑडियंसेस को रीच बना सकें और फिर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की उतनी ही सेल्स बढ़ सके। देखिए, बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और हर बिजनेस के लिए यही माइंड पे रहता है, राइट? हाउ डू आई ग्रो माई बिजनेस। इसीलिए हमारा अटेम्प्ट हमेशा ये होगा कि जब भी हम, जैसे कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एक व्हाट्सएप के लेंस से, बट एट द बैक एंड हमारा अटेम्प्ट ये है कि सारे ही तीनों ही प्लेटफॉर्म्स को साथ मिलाकर हम बिजनेसेस के लिए क्या कर सकें। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नॉर्मल डे एंड कोर्स में मेरा जो एग्जिस्टेंस है व्हाट्सएप पे चली रहा है, बट ऑन इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग मैक्सिमाइजिंग माई बिजनेस, मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का सपोर्ट ले सकती हूँ और उनके रीच को भी मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। एंड
एक बहुत ही खास बात फेसबुक और इंस्टाग्राम की ये भी है कि आपके एड को आप बहुत ही टारगेटेड बना सकते हैं। एंड जैसा हम नॉर्मल कोर्स में भी देखते हैं तो फॉलो अप कॉन्वर्सेशन जो व्हाट्सएप पे होता है, कॉल टू एक्शन बटन क्लिक करने से वही लोग एक चैट में आ जाते हैं आपके साथ। सो दिस इज हाउ वी आर नाउ लिंकिंग दोनों ही प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट सॉल्यूशंस एंड फीचर्स को, ताकि हर बिजनेस को एक मैक्सिमाइज करने का अपॉर्चुनिटी मिल सके। कोई ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी जो करना बहुत जरूरी है, एंड बिग टेकअवेज क्या होंगे अगर अपने बिजनेस को स्केल करना है व्हाट्सएप पर और या व्हाट्सएप के जरिए? बेसिक रूल्स जो किसी भी बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए, नंबर वन, लाइक आई सेड, आपका जो प्रोफाइल है हमेशा इंश्योर करिए कि 100% कंप्लीटनेस हो उस पे, बिकॉज न्यू बिजनेस कस्टमर्स स्पेशली जब आपसे बात करने आए वो जाके प्रोफाइल में क्लिक करके देखना चाहेंगे कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रही हूँ, राइट? सो पीपल विल ऑलवेज कम, आपका प्रोफाइल देखेंगे। प्लीज अपने प्रोफाइल को हमेशा कंप्लीट रखें और सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उस पर रखें। नंबर टू, रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी रीजन के कारण आप तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर पाए, तो जैसे मैंने आपे बताया फीचर्स जो हैं हमारे, क्विक रिप्लाईज, ग्रीटिंग मैसेजेस, अवे मैसेजेस, ये सारे ही यूज करके इंश्योर करिए कि एटलीस्ट एक ऑटोमेटेड मैसेज जो है आपके कस्टमर्स तक पहुंच जाए। तीसरा ये बात है कि आप एक्सपेक्टेशंस हमेशा प्लीज सेट कर दीजिए कि क्या बिजनेस आपसे एक्सपेक्ट करता हो। अगर कस्टमर ने आपको एक ऐसे वक्त पर मैसेज किया हो जिस इज ऑन अ वीकेंड या आउटसाइड योर ऑपरेटिंग आवर्स, तो वो रिस्पॉन्स उनको जाना बहुत जरूरी है। इज दैट वी डोंट ऑपरेट ऑन सैटरडे संडेज, वील कम बैक टू यू ऑन अ मंडे। तो वो एक एक्सपेक्टेशन अपने कस्टमर्स के साथ सेट करना बहुत जरूरी इसीलिए बन जाता है दैट दे डोंट फील देयर मैसेजेस वर निग्लेक्टेड। एंड लास्ट पॉइंट में ये कहूंगी कि आपको इंटरैक्ट ऐसे करना चाहिए जैसे आप नॉर्मली अगर किसी कस्टमर से बात कर रहे हो। हर इंटरैक्शन में अगर फेस टू फेस हुआ या अगर आप इवन एडवर्टाइज कर रहे हो, देयर इज अ सर्टेन वॉइस टोन एंड ऑथेंटिसिटी जो आप अपने इंटरैक्शंस में लेकर आते हैं, वही आपको इन कॉन्वर्सेशंस में भी लाना है। चलिए स्नेही, अब कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब लेते हैं। उमेमा रामपुर वाला बबल्स इन शाइन के हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। हाय उमेमा, मेरा सवाल है कि एक बेसिक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए कई सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं बहुत जरूरी है जानना, एंड मैं क्विकली आपके लिए इसे रिकैप करती हूँ। सो नंबर वन, आप जब भी बिजनेस अकाउंट यूज करना चालू करें अपने प्रोफाइल को एकदम कम्प्लीटली 100% कम्प्लीट रखें, एक्यूरेट रखें। और अगर आपका लाइन ऑफ बिजनेस कुछ इस तरह का है जहां पर आपको नॉर्मली फोटोज शेयर करना पड़ता हो और फोटोज के जरिए ही कस्टमर्स चूज करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या यूज करना हो, कैटलॉग को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है डोर टू डोर सब्जी चलाने वाले ललित शर्मा का। ललित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैंने हाल ही में पढ़ा है कि व्हाट्सएप ने शॉपिंग बटन लॉन्च किया है, क्या मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? अब शॉपिंग बटन जो है ये और एक तरीका है जिससे कस्टमर्स आपके कैटलॉग को बहुत इजीली डिस्कवर कर सके। और ये शॉपिंग बटन कहाँ और कैसे दिखाई देता है मैं आपको बताती हूँ। तो इमेजिन करिए ये आपका बिजनेस है, मैं एक लोकेलिटी में आपसे नॉर्मली ग्रोसरीज ले रही हूँ, सब्जियां ले रही हूँ, तो मेरा आपके साथ एक चैट हिस्ट्री है। जब मैं आपके साथ चैट करूंगी, ऊपर चैट विंडो में जहां पर नॉर्मली वीडियो आइकन दिखाई देता था, वहां पर ये अब एक शॉपिंग आइकन दिखाई देगा। सो ये जो शॉपिंग आइकन है, इट लुक्स लाइक अ हाउस, एक छोटे घर जैसा दिखाई देता है। उस पर क्लिक करते ही इट विल टेक मी टू द कैटलॉग, एंड कैटलॉग में जाके लाइक आई हैव एक्सप्लेन, आपने जो भी अपडेट किया हो, जो भी आपके नॉर्मली डेली में आप सामान जो सब्जियां आप बेच रहे हो उसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए बैग टेल्स के सतीश देसा को अब जोड़ लेते हैं। सतीश पूछे। मैं जानना चाहता हूँ व्हाट्सएप एड्स बनाते समय क्या मैं फेसबुक के एड्स मैनेजर की मदद ले सकता हूँ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सतीश जी। सो थोड़ा सा इसमें मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी। देखिए व्हाट्सएप पे फिलहाल हम एड्स नहीं रन करते हैं, बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एड्स हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन कर सकें
और जहां भी कस्टमर्स ये चाहते हो कि आगे का कॉन्वर्जेशन बिजनेसेस के साथ वो व्हाट्सएप पे कर सकें, उसी के लिए हमने ये सोल्यूशन बनाया है, दैट इज कॉल्ड एड्स दैट क्लिक टू व्हाट्सएप। अगर आप बिजनेस ऐप में भी जाएंगे, बिजनेस ऐप में सेटिंग्स में हमने एक टैब दिया हुआ है जहां से आप अपना व्हाट्सएप नंबर अपने फेसबुक पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। ये लिंक करने के बाद अब अगर आप फेसबुक में आ जाएं, फेसबुक एड्स मैनेजर में, उसमें तकरीबन 6 से 7 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप ये सारा ये एड सेटअप कर सकते हैं। तो एड्स मैनेजर में आके आप अगर एक बार कैंपेन्स में आ जाइए, कैंपेन्स में आकर आप अपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लीजिए कि क्या आपको पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए या ट्रैफिक चाहिए। वो चूज करने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा अपना व्हाट्सएप बिजनेस एंड पेज को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया, इट्स ग्रेट। अगर इस स्टेज तक आप नहीं कनेक्ट कर पाए तो यहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप कनेक्ट कर देंगे, द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स है जहां पर उस फोन नंबर पे एक कोड भेजा जाएगा, आप उस कोड को एंटर कर दीजिए ताकि हम वैलिडेट कर सकें कि यही नंबर आपका नंबर है जो आपको कनेक्ट करना हो। उसके बाद देर आर स्टेप्स विच आर अराउंड आप किस ऑडियंस को ये एड दिखाना चाहें, आपको क्या टारगेटिंग फिल्टर्स सेटअप करने चाहिए, ये सारे ही कुछ वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्नेही थैंक यू सो मच, बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन रहा है और मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि हमारे दर्शक जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने काफी कुछ सीखा है इस मास्टर क्लास में। आपने बहुत बढ़िया तरीके से व्हाट्सएप की बिजनेस कम्युनिटीज के लिए आज के दिन अहमियत समझाई है एंड आई एम सर्टेन कि लोगों ने यहाँ पर ये समझ लिया है कि कैसे आप व्हाट्सएप के जरिए सीधे कनेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर से, एक पर्सनलाइज्ड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक मोबाइल स्टोर फ्रंट और एक कैटलॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि हमारे सभी SMBs इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे जो आपने हमें सिखाए हैं इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। चलिए इसी के साथ बूस्ट विद फेसबुक इन एसोसिएशन विद आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही, लेकिन याद रखिए हम आपसे जल्द ही मिलेंगे और एक और फेसबुक लीडर हमारे साथ होगा जो आपको बताएगा कि घर बैठे बैठे आप इन तमाम फेसबुक टूल्स की मदद से अपने कारोबार को नई शुरुआत कैसे दे सकते हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ, जल्द मिलेंगे। नमस्कार, टेक केयर। Focus. Ideate. Innovate. Enable.